यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भर्वति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सर्जाम्यहम् परित्राणायाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थानार्थाय संभावी युगे युगे। लेकिन बोना दुर्योधन क्या कहता है, मैं दिल्ली का मालिक हूँ, न खाता न बही, जो ये कहे वो सही। कहता मैं दिल्ली का मालिक हूँ, इल्लीगल काम करने के लिए, अनैतिक असंवैधानिक काम करने के लिए गुंडागर्दी दादागिरी का परिचायक बन गया। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ अतंकी, दिल्ली दुनिया भर के डेलीगेट्स जो आते हैं भारत के अंदर, वो दिल्ली के अंदर भारत को देखते हैं कि दिल्ली कैसी है तो भारत वही वैसा होगा। जहाँ भारत को शर्मिंदगी से बचाना है वहाँ इस प्रकार के बिल लाने आवश्यक होते हैं। अध्यक्ष जी, जब कोई अनारकी लोक सत्ता के ऊपर बैठ जाए, अध्यक्ष जी हम सबने बचपन में पढ़ा है, महाभारत देखी है, उस सीरियल में एक श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भर्वति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सर्जाम्यहम् परित्राणायाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थानार्थाय संभावी युगे युगे। अध्यक्ष जी, ये महाभारत में जो कहा गया है कि जब जब धरती के ऊपर अधम अधर्म पैदा होगा तब तब मैं प्राप्त आगे आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में हमेशा जन्म लेता हूँ, ये महाभारत में कहा गया हमारे पुराण में अध्यक्ष जी। अब अध्यक्ष जी, ये बिल दिल्ली में पिछले 8 वर्ष से हो रहे अधर्मी सरकार के अधर्म को समाप्त करने के लिए लाया गया है। अध्यक्ष जी, महाभारत में एक चरित्र था जिसका नाम था दुर्योधन। आज दुखद है कि दिल्ली राज्य में भी उसी चरित्र का एक, उसी नकारात्मक मानसिकता का व्यक्ति इस दिल्ली के अंदर दुर्योधन के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है। सर सर फर्क इतना है, वो दुर्योधन लंबा चौड़ा था, ये दुर्योधन थोड़ा बौना है। सर दूसरा, उसके पास एक शकुनी था और इस बौने दुर्योधन के पास को बहुत भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, सनातनी विरोधी ऐसे गठबंधन के लोग साथ लग गए हैं। सर इसलिए अध्यक्ष जी, राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन और जनप्रतिनिधिगण में तालमेल की अति आवश्यकता होना जरूरी है। मैं सहमत हूं अभी नेता प्रतिपक्ष ने विपक्ष ने कहा है, दोनों को मिलकर जनता के काम, जनता की सेवा करनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है अध्यक्ष जी। परंतु जब अध्यक्ष जी छलिया, अहंकारी, भ्रष्ट, कायर जनप्रतिनिधि सत्ता में बैठ जाते हैं तब जन सेवा में लगी व्यवस्था पक्ष को संरक्षित करना अति आवश्यक हो जाता है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, इस बौने दुर्योधन के चरित्र की विशेषता मैंने पहले कहा छलिया के रूप में। अध्यक्ष जी, मैं इनकी राजनीति की यात्रा के बारे में बताता हूँ, सदन को अपने आप इनका सब पता चल जाएगा। सर अध्यक्ष जी, जो मान्य सदस्य बैठे है, पहला चरित्र था विश्वासघात। जिन लोगों को, जनमानस का एक विश्वास था, अन्ना जी जैसे लोगों को, कुमार विश्वास जैसे लोगों को, सत्ता पर बैठने के बाद उनके साथ विश्वास किया जिनके दम पर राजनीति में आया था, ये कहकर कि पढ़े लिखे लोग होने जरूरी नहीं है, अन्ना जी भले अनपढ़ है लेकिन शासन व्यवस्था बहुत बढ़िया चलाएंगे, ये पौने दुर्योधन ने बोला था अध्यक्ष जी। इसीलिए अध्यक्ष जी उनको धोखा दिया। दुर्योधन ने ऐसा ही विश्वासघात किया अपने चचेरे पांडव भाइयों के साथ, इन्होंने भी वही किया। इसीलिए अध्यक्ष जी, दुर्योधन ने भी छल कपट से सत्ता हथियाई, इनका छल कपट देखिए दिल्ली वासियों के साथ, झूठे वायदे करके कहा इस बौने दुर्योधन ने, मैं पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा, ये पता नहीं कांग्रेसी कहां ढूंढ रहे हैं सीसीटीवी कैमरे, मैं 5,500 स्कूल बनाऊंगा, पता नहीं इन्होंने कहां 500 स्कूल गिन लिए कांग्रेसियों ने, 500 स्कूल के साथ 20 कॉलेज बनाऊंगा, फ्री वाईफाई दिल्ली को दूंगा, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा, पेरिस बनाने के बाद हर घर में नल से जल दूंगा। इस छलिए ने छल कपट करके जन लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लेकर आऊंगा, 2,00,000 पब्लिक टॉयलेट बनाऊंगा, 30,000 बेड के नए अस्पताल बनाऊंगा, ये बताइए दिल्ली में कोई गिनवाकर, आप दिल्ली देश की राजधानी में माने सांसद के रूप में सदस्य बैठे हुए, गिनवाकर बताएं और वो रिपोर्ट रखें कि उस छलिए ने जो कहा था वो कितना दिल्ली का विकास हुआ है। अहंकार अध्यक्ष जी, अहंकार में कृष्ण भगवान ने भी कहा था, बार बार दुर्योधन को कहा पांडवों को 5 ग्राम दे दो, एक सुई की नोक की बराबर भी नहीं दूंगा, ये दुर्योधन ने बोला था। ये जनप्रतिनिधि की सेवा भाव से काम करना चाहिए था, लेकिन बौना दुर्योधन क्या कहता है, मैं दिल्ली का मालिक हूँ, न खाता न बही, जो ये कहे वो सही। कहता मैं दिल्ली का मालिक हूँ, इल्लीगल काम करने के लिए, अनैतिक असंवैधानिक काम करने के लिए
गुंडागर्दी दादागिरी का परिचायक बन गया। मैं उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, एक एक करके दिल्ली में 1000 नई बसें लानी थी अध्यक्ष जी, 1000 बस लानी थी, उसका दिल्ली में कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया। एक प्राइवेट निजी कंपनी को 2500 करोड़ का घोटाला, बस की कीमत होगी 1 करोड़ और बस पर मेंटेनेंस में पैसा दिया जाएगा कंपनी को 3 करोड़। जब जो कमिश्नर ट्रांसपोर्ट थी उसने कहा इसके लिए डीपीआर बनाइए, टेंडर होगा, ऐसे टेंडर दिए जाते हैं क्या? उस कमिश्नर ने अगर मना कर दिया, हम कह रहे हैं आप दे दो, तो जाकर अध्यक्ष जी बुराड़ी में कमिश्नर ऑफिस में इंस्पेक्शन के बहाने से 200 आम आदमी पार्टी के गुंडे ले जाकर उस महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उस पर दबाव बनाया गया कि तुम जाने के बाद ये टेंडर पास कर दो। ये 2500 का घोटाला वो करना चाहता था अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी दूसरा, इनका चीफ सेक्रेटरी को बुलकर, अभी अधीर दादा कह रहे थे बिल्कुल ठीक कहा, अधिकारियों के खिलाफ व्यवस्था चलाने के लोकतांत्रिक पद्धतियां होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन चीफ सेक्रेटरी को कहा जो हम कहें वो करो, वरना विधायकों को बुलाकर इस देश में एक एग्जाम्पल बता दो अध्यक्ष जी 38 राज्यों में कि चीफ सेक्रेटरी को अपने दफ्तर में बुलाकर विधायकों से सार्वजनिक रूप से पिटवाया जाए, उसके साथ बदतमीजी की गई, गुंडागर्दी की गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता अध्यक्ष जी ऐसे अधिकारियों का। इसी परेशानी से होकर दिल्ली के 8 अफसरों ने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी, अगर आप कहो तो मैं टेबल कर दूंगा या अफसरों के नाम भी ले सकता हूं, लेकिन कहते हैं अध्यक्ष जी सदन में नाम नहीं लेने चाहिए, सदस्य के सदस्य नहीं है। अधिकारी, दो अधिकारियों ने तो जो सूरबीर और मधुबर बना है उनका तो नाम लेना चाहता हूं, उनके परिवार पंजाब में रहते हैं, उनको वहां टॉर्चर करने का काम किया जा रहा है, उन अधिकारियों के परिवारों को। इस प्रकार की अहंकारिता भ्रष्टाचार में इस भौने दुर्योधन ने जनता के सामने तो कहा था भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, राम राज्य लेकर आऊंगा, ये दलदल है, सोनिया चोर है, लालू चोर है, डीके सुकुमार चोर है, शरद पवार चोर है, नीतीश मुलायम सिंह चोर है, सबको चोर भ्रष्टाचारी बताया था। इसी ने बताया सर, हमने नहीं बताया, इसी ने बताया था, हमने नहीं, ये सब चोर बैठे हैं सर एक बार केजरीवाल, और बाद में इन्हीं की झूले में झूलने लगा के, इससे बड़ा छलिया क्या होगा, इन्हें जेल भेजूंगा। शीला दीक्षित के खिलाफ, मेरे खिलाफ, मेरे पास 300 पन्नों का सबूत है। मैं तो एज पर केजरीवाल बोल रहा है अध्यक्ष जी, मैं नहीं कह रहा, केजरीवाल के बयान भेजूंगा कल आपको सबको। उसके बाद इन्हीं की शीला को जेल भेज दूंगा और ये दुर्योधन जाकर उन्हीं की गोद में झूल रहा है। अध्यक्ष जी अब मैं इसके बताता हूं, भ्रष्टाचार की सूची लीकर स्कैम किसको नहीं पता है सर, मंत्री जेल के अंदर है। हवाला स्कैम किसको नहीं पता है सर, मंत्री जेल में है। अभी अधीर दादा कह रहे थे आपके पास ईडी है, सीबीआई है, अभी कह रहे थे उनसे एक्शन कराओ। जब उनसे एक्शन कराते हैं तो तिल मिलाते हैं, जैसे ताते तई पे बैठा दिया, उछलते हो आप लोग। जब सीबीआई से एक्शन नहीं कराते हैं, कानून बदलते हैं, तो कह रहे हैं आप लोग कानून रत्न करा रहे हो। एक जबान पे तो ठीक है, कही है हाउस के अंदर कि सीबीआई ईडी ठीक काम कर रही है, हिम्मत है तो फिर दोबारा भर के कर दिखाइए। सीबीआई ईडी अपना काम कर दिया अध्यक्ष जी, 5000 लोगों के वो डाले थे सीबीआई ईडी ने सर, रेट डालिए, देश का 1.5 लाख करोड़ रुपया रिकवर किया है। ये 10 नेताओं के यहां डल गया तो सीबीआई गलत कर रही है, क्योंकि यूपीए के टाइम में लाखों करोड़ रुपया हजम किया हुआ है, डर है सीबीआई वो ना इकट्ठी कर दी कर दे, कहीं मोदी साहब ये ना कह दे वो 2.5 लाख करोड़ रुपया भी लेकर आओ, जो 12 लाख करोड़ का माने अभी गृह मंत्री जी ने हवाला दिया था।